मिला मलिक, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली नेचर लवर। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि है हमारे बहुत ही काम का। हमारे घरों में इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, और मेरे ख्याल से तो हर घर में ये प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है। ये है एक बिल्ड स्किल की स्प्रे पेंटिंग मशीन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, और इसके साथ हमें मिली है ये मैनुअल, जिसमें इसका यूज करने का तरीका बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिया हुआ है कि आप इसे किस तरीके से इस मशीन को यूज करें और किस तरीके से इसे असेंबल करें। इसमें अंदर जाओगे तो इसमें एक एक पार्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं भी आपको बताती हूँ कि ये कैसे यूज होती है। इसके साथ हमें ये एक छोटी सी पिन मिली है, इसकी जो इसके अंदर पेंट है उसे साफ करने के लिए, अगर मशीन लॉक हो जाए तो इस पिन को जरूर संभाल के रखें। अब मैं बताती हूँ कि ये मशीन किस तरह से काम करती है और कैसे कैसे इसके फंक्शन है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे सुंदर सा लोगो दिया हुआ है बिल्ड स्किल का, और यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन है, और इसके साथ एक अच्छी खासी इन्होंने रोड दी है 2 मीटर की, जो आराम से आप प्लग में लगाओगे और काम करेगी। और आप इस प्लग को आप अपने घर के किसी भी प्लग में लगा सकते हो, ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्लग है। और यहाँ पर आती है इसकी सेटिंग, तो सेटिंग में ये आप देख सकते हो ये इसकी स्पीड है कि आपको कम करनी है ज्यादा करनी है। अगर आप क्लॉकवाइज इसको घुमाओगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी मशीन की, और अगर इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पे टिगर है, टिगर की सहायता से हम मशीन को चलाएंगे, मैं चला के भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे इसका फ्लो का है, अगर आपको हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल जिस तरीके से भी आपको अपनी मशीन यूज करनी है, आप इसकी सहायता से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तीसरा, इसमें एक डायगोनल फंक्शन है जो कि बहुत छोटे एरिया में काम करता है। जैसे कि अगर आपके दरवाजे के अंदर कोई अच्छे से कार्विंग हुई है, फ्लावर वगैरह बने रहते हैं, तो उस एरिया में ये बहुत ही अच्छे से पेंट भर देगा, जो कि ब्रश की सहायता से करना तो नामुमकिन है, लेकिन मशीन की सहायता से आप आसानी से फिनिशिंग के साथ अपने पेंट कर सकते। इसके साथ मिलता है हमें ये कंटेनर, जिसको हम यहाँ लगाएंगे, और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये एक 800 ml का कंटेनर है, यहाँ पे इसका मेजरमेंट बना हुआ है, और तो आप इसके अंदर 800 ml तक का पेंट भर सकते हो। और इस मशीन से आप ऑयल पेंट या वाटर बेस्ड दोनों तरह के पेंट यूज कर सकते हो, और इसके साथ बस आपको प्लेन ही पेंटिंग कर सकते हो, टेक्सचर वाली पेंटिंग नहीं कर सकते। पेंट डालने के बाद इसको हम आराम से घुमाएंगे और ये हमारा सेट हो जाएगा। तो अब हम इसको असेंबल करते हैं, और उसके साथ हम फिर मैं इसको यूज करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने ये ऑयल पेंट लिया है, ये बर्जर का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, कलर भी अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हो जो आपको पसंद है। और अब हम इस पेंट को इस कंटेनर में डालेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने इस पेंट को किसी छड़ी की सहायता से अच्छे से हिला लें, ताकि जो आपका पेंट है नीचे बैठ जाता है कई बार गाढ़ा होके, वो बिल्कुल एक जैसी क्वांटिटी उसकी हो जाए ऊपर से नीचे तक। पेंट अच्छे से हिला लेना है आपको, इसके बाद आप इस पेंट को इस कंटेनर में डालोगे। अब इसी डब्बे में आप थोड़ा सा तारपीन का ऑयल है ये डाल के डब्बे को अच्छे से हिला के वापस से कंटेनर में डाल देंगे। कंटेनर को मशीन से अटैच करेंगे और इसको बिल्कुल टाइटली बंद करना है, कोई बबल नहीं आना चाहिए। अब मेरी ये अलमीरा है जिसपे मैं ये पेंट कर रही हूँ, और आप देख सकते हो कि ये अलमीरा बहुत ही पुराने मॉडल की है। इसको मैंने पहले भी पेंट किया था ग्रे से ब्राउन ब्रश की सहायता से, लेकिन इसमें कोई ख़ास फिनिशिंग नहीं आई थी। अब हम इस मशीन की सहायता से इस अलमारी पे पेंट करेंगे और देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आएगा। आप जो भी फर्नीचर, दरवाज़ा, अलमारी, जो भी आप पेंट कर रहे हो, उसे अच्छे से उसके आसपास के एरिया को पेपर से ढक दें, ताकि आपकी कोई भी चीज़ या फर्श ख़राब ना होए।
मशीन में पेंट करते टाइम आप इसे 40 डिग्री एंगल पे रखें और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के पेंट करें तो आपकी पेंट की फिनिशिंग बहुत ही क्लियर आएगी। अगर आप पास जाके पेंट करोगे तो उसमें निशान आ जाते हैं। मशीन को आप किसी भी एंगल में सेट करके चला सकते हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल, जो भी आपको ठीक लगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इस पे एक कोट किया है। अगर हम सूखने के बाद देखेंगे कि हमें इस पे डबल कोट करना है कि नहीं, आप इस तरीके से मास्क वगैरह ला के इसे यूज़ करें क्योंकि हवा में इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस था इस मशीन के साथ पहली बार था और मेरे को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है अपनी इस अलमीरा के लुक को देखकर। फ्रेंड्स ये अलमारी देख सकते हो 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया इस पे पेंट किए हुए और इस पेंट सूखने के बाद इसके अंदर जो फिनिशिंग आई है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। और आप देख सकते हो कि ये बहुत डार्क कलर की अलमीरा थी और हमने इसके ऊपर डार्क से लाइट पेंट किया है। एक कोट के अंदर ही इसमें अच्छे से शाइनिंग आ गई है, पेंट बहुत अच्छे से सूख चुका है। और अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये मशीन? मेरे को तो ये मशीन बहुत ही अच्छी लगी। और आपने मेरी अलमीरा का आफ्टर और बिफोर दोनों लुक देखे हैं। आफ्टर लुक में आप देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ इसने पेंट किया है। और हम लोगों को ये बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है कि कहीं से कोई दीवार खराब हो गई है तो उसमें थोड़ा सा ही पेंट करना है, तो जरूरी नहीं कि हम हर बार पेंटर को बुलाएं। अगर आपके पास ये मशीन है तो आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे को तो DIY करने का और अपने घर को चेंज करने का बहुत ही शौक है, तो मेरे को तो इस मशीन के बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं इस फेस्टिव सीजन में, क्योंकि मैं अपने फर्नीचर, अपने घर को एक नया लुक दूंगी इसी मशीन की मदद से। ताकि अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको जरूर खरीदें। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और हो सके तो मैं पिन भी कर दूंगी। आगे भी मैं बहुत सारे इसी तरह की वीडियो लेके आती रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगी। जल्दी ही मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।